أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله رب العالمين. جزاه بركات हमदोसना काबिल है इबादत के काबिल है और इस काबिल है कि हम अपनी सारी ज़रूरतें उसके सामने ही पेश करें अपने मसाइल और अपने तमाम किस्म के ज़रूरियात उसी के सामने पेश करें क्योंकि तन्हा एक ऐसी ज़ात है जो हमारी तमाम ज़रूरतों को बगैर किसी मदद के पूरी कर सकता है अल्लाह रब्लम की हमदना के बाद उसके तमाम रसूलों पर दरुद सलाम खूस आखिर रसूल जनाब महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत और बेशुमार दरुद और सलाम के बाद अल्लाह रबालमीन का ये फ़रमान दुआ के सिलसिले में बहुत अहम है सुर गाफ़िर की आयत नंबर साठ है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वालबुम उदयूनी अस्तजिबलकुम तुम्हारा रब फरमाता है तुम्हारे रब ने तुमसे कहा है लकुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मांगें पूरी करूँगा मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआएँ कबूल करूँगा इन लज़ीन इस तकबरून इबादती जो लोग मेरी इबादत से एराज करते हैं गुरूर में पड़ जाते हैं जो लोग बतौर तकबुर मुझसे नहीं मांगते सैदून और जहन्नम दाख्रीन वो जलील होकर में चले जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे गोया यहाँ इस आयत में ख़ास तौर पर दो बातें मालूम हुई पहली बात तो ये मालूम हुई कि रब्बालमीन से जब भी मांगेंगे तो उसका असर ये है कि रब्बालमीन उसे कबूल करता है पहली चीज़ दूसरी बात ये मालूम हुई कि जो लोग रब्बुल रबालमीन से नहीं मांगते अल्लाह से सवाल नहीं करते अल्लाह से दुआएं नहीं करते वो मगरूर हैं उनके अंदर को गुरूर है, है्र है और जिनके अंदर किब्र हो वो यकीनन रब्बुल रबालमीन की रदा नहीं पा सकता वो जहनम में जाएगा और ग़रूर जब होता है तो उसकी एक छोटी सी मिसाल दे के फिर आगे बढ़ूँ गुरूर जब होता है तो इंसान ये समझता कि शायद सारे मामल मैं हल कर रहा हूँ मैं ही कमा रहा हूँ जो दौलत है मेरे पास वो मेरी ताकत की वजह से है जो सेहत है मेरे पास वो मेरे अपने वर्जिशों की बुनियाद पर है मेरे अपनी खिलाई की बुनियाद पर है जो इल्म है मेरे पास वो मैंने बड़ी मेहनत से हासिल किया है ये सारे तस्वूर पैदा होते हैं और ये तसूरत मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कुर मजीद में है भी कानून से जब कहा गया कि तुझे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नात के ऐसे अल्लाह के बंदों में ज़रा ख़र्च कर तो कहा अल्लाह ने कहा दिया है उसने कहा ये तो सब मैंने अपने इल्म की बुनियाद पर हासिल किया है मेरे पास इल्म है मेरे पास सलीका है मेरे पास जो है बड़ी जानकारी है कमाने की जैसे हमारे यहाँ हम भाई हम औरों की बात नहीं करते अपनी अगर बात करें तो वो लोग जो तौहीद के दावेदार हैं इनके यहाँ भी ये चीज़ पाई जाती मैंने कमाया मैंने इतनी चीज़ें बनाई मैंने ये काम किया तो ये एक किस्म का हो सकता है जहन में ना भी हो तो इस किस्म के अल्फाज हमारे दिल में इसी किस्म के एहसास भी पैदा करते हैं कि आदमी में ये चीज़ पैदा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तो ये नहीं होना चाहिए इन लजीना इस तकबरू न आने इबादती जो लोग मेरी इबादत से एराज़ करते हैं गुरूर की बुनियाद पर वो जहन्नम में चले जाएंगे तो ये आयत दुआ के सिलसिले में दो बातें इसने हमारे सामने रखी हैं हमें हिदायत दी है इस आयत के ज़रिए से अल्लाह रब्लमिन ने दो बातों की एक तो ये कि दुआएँ जब भी आदमी मांगता है अल्लाह रब्लम उसे कबूल तो फ़रमाता है और दूसरे जो दुआएँ नहीं मांगते हैं वो मगरूर हैं और उनका ठिकाना जहन्म है ये दो बातें हमारे मौजू से मतलब गया पहली बात है कि जब भी हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्लमिन उसे कबूल करता है और दुआ इस सिलसिले में हम जानना चाहें दो चीज़ें हम ध्यान रखें कि दुआ जब भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है कई एक फ़ायदे हैं कुछ फ़ायदे सुन लें फिर असरा पर इंशाल्लाह आते हैं पहला फ़ायदा तो यही कि ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हर हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें दुआ का सिर्फ यही माना नहीं कि हम मांगें ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह मुझे दौलत दे मुझे सेहत दे मुझे ये दे और वो दे सिर्फ यही दुआ नहीं है बल्कि दुआ ये भी है इसीलिए ने इसके दो किस्में कर दी हैं एक दुआ इबादत और एक दुआ मसाला दुआ इबादत ये है कि अल्लाह रब्लम की सिफ़ात का जिक्र किया जाए अल्लाह रब्लम की बड़ाई और तस्वीर बयान की जाए सुबहानल्लाहमदिल्ला ये भी दुआ ये भी दुआ अभी दुआ नहीं है तो आखिर आप हम और आप पढ़ते होंगे सुना होगा बारहा कि नमाज के बाद तैंतीस बार सुबहान अल्ला तैतीस बार अलहमदिल्ला और चौंतीस बार अल्लाह अकबर कहें क्या फ़ायदा मिला उसके बदले में मिला क्या कुछ याद है किसी को कोई बताएगा समंदर के झाक के बराबर भी गुना हो तो माफ मामूली है मांगा कुछ मांगा कुछ नहीं अल्लाह से कुछ नहीं मांगा खाली उसकी तारीफ़ करते रहे तो ये फ़ायदा मिल गया इसको दुआए इबादत कहते हैं हमने मांगा कुछ नहीं दुआए मसाला नहीं है एक दुआए मसाला होता है वो भी अल्लाह के यहाँ कबूल होता है और कबूलियत के क्या तरीके हैं वो इंशाल्लाह भी बाद में आ रही है बातें तो पहली चीज़ तो ये कि हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हम अल्लाह रब्लम से अपने आप को जोड़े रखें दुआ करते रहें दूसरा फ़ायदा यह है कि अल्लाह रब्लम को दुआ बहुत पसंद है बहुत पसंद है एक हदीस में महबिल्ला बि मसूद रजी ने फरमाते मिन अल्लाह फरमाते सल्हिन अला रब्लम से उसकी रहमतें मांगते रहो इसलिए कि अल्लाह रब्लम पसंद करता है कि उससे मांगा जाए इस हदीस की बुनियाद पर आपने वैसे बारह सुना भी होगा कि एक ही ज़ात अल्लाह रब्बुल रबुलाम की ऐसी कि जितना मांगो उतना खुश उसके अलावा और कोई चाहे वो सगा बाप ही क्यों ना हो रोज़ रोज़ मांगे देखो तीसरे तो दिन तो जड़ देगा भाई कम वक्त कितना चाहिए तुझे थोड़ा सा कम लिया कर यहाँ मामला ऐसा है कि ठीक है जित बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तब भी वो देंगे 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 लेकिन किस दिन थोड़ा सा रोकेंगे आप थोड़ा बस कर बहुत मांग लिया अब यहाँ मामला ये है कि मांगने में कमी की तो गु़स्सा मांगे जा भाई कितना मांग रहा है मांगे जा उतना खुश तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ करने से खुश होता है तो खुद ये अगर हम जो दुआ मांग रहे हैं वो ना भी मिले तो क्या परेशानी रब तो खुश हो रहा है एक असर यही है बहुत बड़ी चीज़ कि अल्लाह खुश हो रहा है हम मांग रहे हैं तो तो अल्लाह ख़ुश होता है इस तरीके से दुआ से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आदमी जब दुआ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो उसके दिल से जो रंजो मलाल है या गम है या कभी किसी किस्म की परेशानी से वो जूझ रहा है इसमें कमी आती है इसमें कमी आती है इसकी दलील क्या है एक तो दलील कभी आपने ख़ुद अपने आप पर गौर किया होगा तो ये दलील मिल जाएगी खुद अपने दिल से एक दलील ये है कि अल्लाह के रसूल वसल्लम हज़रत बिलाल से कहा करते थे बिलाल ज़रा अज़ान दो सुकून पहुँचाओ ज़रा नमाज़ कायम करो सुकून पहुँचाओ इसीलिए हदीस में है कि अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि नमाज़ मेरी आंखों की ठंडक है आखिर नमाज़ है क्या नमाज माने भी दुआ ही होते हैं सलात माने दुआ ही होते हैं तो दुआ में दिल को सुकून मिल रहा है दिल का सुकून है दुआएं दुआएं दिल का सुकून है इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आदमी को सुकून मिल जाता है इसी तरीके से दुआ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब से इंसान को बचाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब से बचाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम मलम्लाई जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उस पर गुस्सा होता है मफहम क्या हुआ जो मांगता है उस पर गुस्सा नहीं होता अल्लाह से ना मांगो तो गुस्सा होता है गोया अल्लाह के गुस्से से बचना है तो मांगते जाओ खूब मांगो चलते फिरते और ये इतनी आसान चीज है जैसे शेख ने भी जो है कहा भी कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कभी भी मांग सकते हैं इसके लिए कोई शर्त है ही नहीं कि भाई किबला रुख होके के बैठो मस्जिद में आओ नमाज़ पढ़ के मांगो कुछ नहीं एकदम आसान है इबादत चलते फिरते यहाँ तक कि हदीस में तो ये भी है कि आदमी सो रहा हो नींद खुल जाए तो उस वक्त भी कुछ दुआएं बताई गई ये दुआ पढ़ लो उसके बाद जो कुछ मांगो अल्लाह दे देता है इतनी आसान सी चीज़ है तो बंदा अगर इतनी आसान चीज़ नहीं कर सकता तो मुश्किल कहाँ से करेगा इंतहाई आसान चीज़ है इसी तरीके से वो शख्स जो दुआ नहीं करता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस कायनात का सबसे ज़्यादा सुस्त नााहल और आजिज़ शख्स है आप ने फरमाया आज दुआ सबसे ज़्यादा नााहल सबसे ज़्यादा सुस्त सबसे ज़्यादा आजिज़ वो शख्स है जो दुआ से भी आजिज़ रह जाए दुआ से भी आजिज रह जाए इंतहाई जो है गिरी हुई बात है कि आदमी अपने रब से न मांग सके दुआ अल्लाह रबालमिन कबूल फरमाता है लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें पहले वो सुन ले फिर असरात की तरफ हम आते हैं इन शह हैरत अबू सद खुदरी रजी अल्लाह तरमाते हैं नबी वसल्लम से रिवायत करते हुए कि आपने फरमाया माम मुस्लिम लई सब इसमिन वलाबीर अल्ला कोई भी मुसलमान बंदा जब भी रबालमीन से दुआ करता है और गुनाह के लिए नहीं मांग गुनाह की दुआ नहीं करता गुनाह की दुआ नहीं करता बज़ दफ़ा लोग होते हैं ना भाई अल्लाह रब्लम जरा एक पैकेट सिगरेट दिला दे कहीं से नौज़ बिल्ला मांगने वाली बात है जो लतीफ़ा मशहूर है किसका गालिब का पहुँच गए मस्जिद पूछे गालिब साहब मस्जिद कहाँ से कहाँ मांगने आया था बोतल किसी ने दूर से दिखा दिया वापस चले गए बोले अरे गालिब साहब नमाज पढ़ लीजिए कहा जो मांगने आया था मिल गया क्यों पढ़ूँ लतीफ़ा है यह भई हकीकत नहीं है हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं एक लतीफ़ा है लेकिन इसलिए बयान किया मैंने कि हम जाने बज़ दफ़ा हमारे मिजाज में भी आता है कुछ आदमी मांगते हैं कुछ बुराइयाँ बुराइयाँ मांगते हैं लोग जैसे जैसे हदीस में एक वाक़ा है कि एक शख्स ने अपनी चचेरी बहन को सऊदीनार पर राज़ी किया बुराई के लिए तो कभी कभी बुराइयों की तरफ तबीयत मायल होती है ऐसा नहीं है इंसान की फितरत में वो चीज़ शामिल है तो अगर बंदा गुनाह और रिश्तेदारी के तोड़ने की दुआ नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ को ज़रूर कबूल करता है मगर दुआ के कबूलियत के असर तीन तरीके जाहिर होते हैं हदीस में इल्ला अलाबदातलास मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को तीन में से किसी एक तरीके से पूरा करता है यानी तीन तरीक़े हैं तीन में से कोई एक चीज़ ज़रूर मिलती है पहली इम्मा दावतहु पहली चीज़ ये कि जो कुछ बंदे ने मांगा रब्बुल आलमीन वही चीज़ उसे दे देता है बिल्डिंग मांगी बिल्डिंग दे दिया जो मांगा वो अल्लाह रब्लम ने उसे दे ही दिया और अज्जला के मैंने दुनिया ही में दे दिया वो चीज़ दे दी और मुझे जो है अंदाजा है कि आपको तो तजर्बा होगा इसका बज दफा आपने कुछ मांगा होगा और मिला होगा लेकिन होता क्या कि हम लोग सोचते नहीं इस तल्लुक से कभी सोचें गौर करें तो महसूस होगा कि हमने ये मांगा था ये मिला भी इस पर गौर किया कीजिए कि, कि हम अच्छा। मांगे तो हम हमको मिला गौर करेंगे तो अंदाज़ा कि हमने क्या मांगा था क्या मिला तो पहली चीज़ ये है कि जो कुछ बंदे ने मांगा रब्बालमीन ने वही दे दिया दूसरा तरीका वा इमा इया दख़े रा आखिर या तो उसकी दुआ को दुनिया में जो कुछ मांगा था वो नहीं दिया उसको सवाब बनाकर जख़ीरा कर दिया आख़रत के लिए यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ मिलेगा दुनियावी मिसाल से अगर उसको समझना चाहे बाज़ दफ़ा बच्चे छोटे ही से रहते हैं अबा मुझे बंदूक चाहिए देते हैं नहीं देते भाई इस काबिल नहीं है खिलौना दे दो नहीं देते उसे हम उस काबिल नहीं तो रब्बुल आलमीन जानता है जैसे हम अपने बच्चे के बारे में जानते हैं कि ये इस काबिल नहीं जो मांग रहा है तो हम उसे दूसरी चीज़ थमाते हैं वो चाकू ले ले तो अब छीन लेते नहीं नहीं तेरे लायक नहीं चाहिए ना रोज चिल्लाए हाथ पैर पढ़ के नहीं देते क्यों इसलिए वो नहीं समझ रहा है हम समझ रहे हैं तो ऐसे ही हम ये जाने कि हम नहीं समझ रहे रब्बुल आलमीन समझ रहा है कि हम किस इस काबिल हम किस काबिल हैं रब्बालमीन समझ रहा है तो रब्लमीन हमने जो मांगा वो नहीं देता उसके बदले सवाब बनाकर उसे आखिरत में जख़ीरा कर देता है वहाँ काम आएगा तो ये भी दुआ की कबूलियत का एक असर है एक बेहतरीन असर है और तीसरा व इमांदफ़ानसुई मिसलह या तो रब्बालमीन जो चीज़ मांगी है उसी जैसी कोई बुराई कोई आजाब कोई तकलीफ़ उस पर आने वाली थी वो ख़त्म कर देता तीन तरीके है तीन तरीक़े हुए हैं पहला फिर से सुने जो कुछ मांगा वही मिल गया दूसरा आखरत के लिए जख़ीरा कर दिया और तीसरा उसी जैसी कोई तकलीफ़ अजाब परेशानी टाल देता है ये तीन तरीके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईजाद किए हैं जिस तरीक़े पर दुआ के असरात ज़ाहिर होते हैं तो साहब राम ने जब यह हदीस सुनी कि हम जब भी मांगते हैं तो कबूल होता है तीन तरीक़ों से ही सही तो कहा इधर तब तो हम बहुत मांगेंगे बहुत फ़ायदा है एक तस्वुर हुआ है कि सुनते ही कहाँ खूब मांगेंगे अब काश य तस्वर और ये मिजाज अल्लाह हमारा भी बना दे तो कहा हम बहुत मांगेंगे अल्लाह के रसूल ने साममा अल्ला अख्तर तुम जितना मांगो उससे ज़्यादा देने वाला अल्लाह ताला कोई कमी वहां नहीं है और इसी बात को एक दूसरी हदीस में कुछ और वजाहत के साथ बयान किया गया अब हर अल्लाह तुझे से मरवी है कहते हैं कि कोई मुसलमान बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब दुआ करता है मांगता है तो अल्लाह आलमीन उसे जरूर देता है लेकिन अगर वो जल्दी ना करे तब जल्दी ना करे तब, ना करे तब जरूर देता है तो साहब कर राम ने पूछा अल्लाह का रो तो ये जल्दी क्या है जल्दी क्या है तो आप सबने उसकी तशरीफ़ फरमाई कि वह बंदा कहता है दाऊ तो दाऊतू वाला आवाह युष्त बोली कितना मांग रहा मांग ही रहा हूं मांग रहा हूं मांग रहा हूं लगता नहीं कि अल्लाह देगा जब ये तस्वूर बैठ गया कि नहीं दे रहा है अभी तो मांग रहा था कितने दिन से मांग रहा हूं पंद्रह दिन से मांग रहा हूं नहीं दिया महीने भर से मांग रहा हूं नहीं दिया है तो जब जल्दबाजी करता है तो फिर नहीं पाता है जल्दबाजी नहीं बल्कि ये तय करके मांगना कि लेकर ही जाना है चिमट गए बच्चे होते हैं ना कभी कभी वो मिसाल इसीलिए दे रहा हूं हालांकि रब्बुल आलमीन के लिए कोई मिसाल नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल है तो जो बेहतरीन मिसाल मिली वो आपको सामने पेश करता हूँ जैसे बच्चे होते हैं वालदेन से कभी चिमट जाते हैं आगे से पीछे से दामन पकड़ कर इससे उससे भाई से बहन से, से अम्मी से कह बह के ले ही लेते हैं बस दफ़्फ़ाता ना कि भाई मैं कॉलेज जा रहा हूँ स्कूल जा साइकिल चाहिए अब्बा करें नहीं बेटा जेब में नहीं है कुछ दिनों तक चलता रहता है मामला फिर इनसे उनसे अरे अब्बा से कहो यार मुझे दिलवाओ कितना परेशानी हो कह के ले ही लेता है बच्चा एक दिन में ना सही हफ्ते में ना सही महीने में नहीं सही छः महीने में मगर लेता है तब मानता नहीं जब तक मांगता रहता अब्बा चाहिए अब्बा चाहिए अब्बा चाहिए वही बुरा समझाया गया है कि रब्बुल आलमीन से जब मांगने बैठो तो ये सोच के बैठो कि मिलना यहीं से है मुझे लेना यहीं से है कहीं और से न मिलने वाला ना कहीं मैं और जाने वाला हूं लेने के लिए इसलिए मांगता रहूंगा जब तक देगा नहीं जब तक हटूंगा नहीं सर रख दिया तेरे दरबार में अब हिलने वाला ना जब तक दे नहीं देगा तो लेता है लेना ही है तुझसे तो जब तक बंदा जल्दबाज़ी नहीं करता है तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तवज्जो उसकी तरफ़ रहती है कि हाँ कब वो मौका आएगा तब देगा रब्बुल आलमीन जब हम उस लायक हो जाएंगे तो ये अब इसके बाद हम देखते हैं कि दुआओं के असर जो असल बात है कि दुआओं के असर होते हैं या नहीं ज़िंदगी पर या जब भी हम दुआ मांगते हैं तो मिलता है कि नहीं मिलता है? पहले हम देखते हैं नबियों की ज़िंदगी जो ख़ुद कुरान मजीद ने बयान किया है सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी आदम उनसे ग़लती हुई सबको मालूम है बहुत मशहूर किस्सा है दुनिया में भेज दिए गए भेज जाने के बाद गोया अल्लाह आलमीन नाराज़ है, तभी तो भेज दिया जन्नत से निकाल कर उस नाराज़गी के दूर करने में कौन सी दुआ काम आई थी रब बना ज़लम नानफुसना देखिए सबको मालूम है असर हुआ कि नहीं दुआ का कि जो रब नाराज़ था वो राज़ी हो गया ये दुआ का असर है कि जो रब नाराज़ था इतना नाराज कि जन्नत से निकाल दिया जा भाई तो इस काबिल नहीं है मेरी रजामंदी की जगह में रहने के काबिल इसलिए नहीं कि तूने मेरी बात नहीं मानी निकल यहां से निकाल दिया रबुल आलमीन ने लेकिन बंदा फिर मतवज हुआ कि गलती हो गई है अल्लाह जुल्म कर लिया मैंने नफ्स पर माफ कर दे रब बना दलम ना अनफो सना को इलम तक फिर लना अगर तू बख्शेगा नहीं रहम नहीं करेगा तो अब बहुत घाटे में हो जाऊंगा मैं बड़ा नुकसान होगा मेरा तो मुझे नुकसान मत पहुंचा तेरा बंदा हूँ सर झुका लिया पलट आया मान ली गलती मैंने नतीजा अल्लाह ने कहा ठीक तो मेरे बंदे होने फिर से नबी बनाता हूँ यह का सर यानी गया हमारे बाप आदम सलाम के ज़रिए से ही हमको ये नसीहत मिल गई कि अगर रब्बुल आलमीन की तरफ पलटेंगे गुनाहों के बाद भी तो भी बड़ा फ़ायदा होगा कि आलमीन की हम बंदगी में फिर से ले लिए जाएंगे ये दुआ का असर है इस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम से आगे बढ़िए नूह अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक लंबी मुद्दत तक तबलीग की, की। समझाया 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 नहीं माने जब नहीं माने तो रब्बुल आलमीन ने बताया बाकायदा कि नूह अब ये नहीं मानने वाले अब ये नहीं मानने वाले हैं ये रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान हो गया तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह जब नहीं मानने वाले तो इनको ख़त्म कर दे पदार्बहू अन्य मगलूब तसर अयल्ला मैं बहुत परेशान हो चुका अब मेरी मदद फरमा नहीं सुन रहे मेरी बात अल्लाह ने क्या किया दुनिया जानती है। हम सब तो कम अज़ कम जानते बख्या दुनिया जानती हुआ है ना जानती जो दीन इस्लाम के करीब हैं जो दुरूस में बैठते हैं जो कुरान पढ़ते हैं वो जानते हैं कि क्या हुआ फिर अल्लाह रब्लमिन ने एक दुआ के नतीजे में सबको ख़त्म कर दिया हिला कर दिया तबाह कर दिया वही लोग बाकी बचे जो आलमीन के बंदे थे लेकिन वही एक दुआ नू इस्लाम की और मशहूर है जो जानना ज़रूरी भी है और मेरा अंदाजा कि हम सब जानते भी हैं लेकिन फिर भी तस्कर हो जाए कि आलमीन उन्हीं दुआओं को कबूल करता है जो वो चाहता है तो उससे मांगी जाए और जो उसे पसंद नहीं है या जिनकी उसने इजाज़त नहीं दी है वो मांगी जाए तो वो कबूल नहीं करता चाहे वो कोई भी हो नूल इस्लाम की दूसरी दुआ बेटे के तल्ल से कि अल्लाह मेरा बेटा है मुझे बचा ले इसे बचा ले तो क्या हुआ कबूल नहीं हुई और सिर्फ दुआ कबूल ही नहीं बल्कि डांट भी पड़ी तो गैर रब्बुलमी से मांगते वक्त ये सलीका रहना चाहिए कि रब से क्या मांगा जाए यह भी जानना चाहिए जालिमों के तालु से दुआ नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह इसे बचा मुशरक़ों के तल्लु से दुआ नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह रबुलामी से निजात दे तो दुआ अपने असरात रखती है मगर शर्त यही कि रब्बुल ला आलमीन के पसंद के मुताबिक हो उसकी मर्जी के मुताबिक हो ज़रूर कबूल होती है ये तरीके से इब्राहीम की दुआ देखी एक लंबी मुद्दत के बाद काफ़ी उम्र के बाद उन्होंने जब दुआ की रब्ब हबली सालिहीन अल्लाह नेक औलाद से नवाज़ दे आलमीन ला ने नेनायत कर दिया आज हमारे यहाँ बहुत अभी ए, कल परसों ही की बात कल की बात कि दस पंद्रह साल हो गए एक साहब औलाद बात ऐसी चलने लगी कि भाई इनके लिए दुआ कीजिए मैंने कहा बस आप इंतजार कीजिए जिस दिन अल्लाह ने जो चाहा उस दिन दे देगा बस दफ़ा ऐसा होता है दस दस बीस बीस साल के बाद औलाद हो जाते हैं इब्राहिम स्ल्लाम अस्सी साल के बाद औलाद हुई कब देगा अल्लाह कोई पता नहीं बुढ़ापे में देता जैसे खुद एक दुआ की से से जकरिया इस्लाम इसी से मुतल जकरिया की जब मरियम घर में गए देखा ताज़ा फल और बेमौसम का फल तो उस वक्त उन्हें तो याद आया कि अगर बेमौसम का अल्लाह रब्बुल आलमीन फल दे सकता है तो इस बुढे को भी बेमौसम की औलाद दे सकता है ज़करिया जखीरिया का है वाक़ बहुत मशहूर जखी आल्लम मरियम घर में गए और देखा कि भाई ये फल कहाँ से आया है मरियो तो कहा अल्लाह ताला ने दिया है मौसम नहीं आम का मौसम नहीं इस वक्त और आम खा रही बेहतरीन ताज़ा ताज़ा तो कहीं कहाँ से आया कहा ने दिया तो जखीर आलम के दिल में ख्याल है कि भाई मैं भी पा सकता हूँ औलाद हालांकि बूढ़े थे बीवी बाज थी बीवी बाज खुद बूढ़े जब फरिश्ते ने खुशखबरी सुनाई कि औलाद अल्लाह देने वाले तो फिर ताजुब में आ गए ऐसे कैसे अब कौन सा अस्सी साल का बूढ़ा बीवी बाज अब कहाँ से औलाद कह रहे आप अल्लाह की रहमत से कहा नहीं नहीं मायूस तो नहीं हूँ ताजुब हो रहा है बस लेकिन मांगी दुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए दुआ का असर मांगते जाए आदमी मांगते जाए आदमी कब देने वाला है कुछ पता नहीं जब हम उस लायक हो जाएंगे रब्बालमिन ज़रूर दे देगा लूतम की दुआ देखिए इब्राहिम के भतीजे लूतम जब एक इलाके में भेज दिए गए और उस इलाके में उन्होंने दीन की बातें दुनिया को बताईं गाँव वालों को समझाई कबीले वालों को समझाई नहीं माने शरारतों पर उतर आए बल्कि मेहमान आए और मेहमानों के साथ शरारत पर उतर आए उस वक्त लूतम ने कहा रबिनसरनीकोमिल रब मुफीन अल्लाह इस बिगाड़ जदा कौम बहुत ही बिगड़ी हुई कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा और फिर अल्लाह आलमीन ने पूरा इलाका तलपट कर दिया आज जिसके बारे में रिसर्च ये बताती है कि जो बहरे मुर्दार है डेड सी वही इलाका है वो जिंदगी ही खत्म कर दी उस इलाके की क्योंकि जिंदगी से खेल रहे थे वो तो अल्लाह ने कहा जिंदगी इस इलाके में अब रहने ही नहीं दूंगा यह दुआ का असर दुआ का असर है मौजूदा ज़माने के तलुक़ से बातें होंगी इन श्ला कुछ और नबियों के कुछ वाक़ात सुन लें यूनूल इस्लाम का वाक़ बहुत मशहूर मैंने सिर्फ तरतीब दी है सारी बातें तकरीबन अल्लाह का शुक्र है हम मैं समझता हूँ कि आप जानते होंगे यूनूल क्या गलती हुई थी अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर अपना इलाका छोड़ दिया और अल्लाह ने फ़ौर बता दिया कि हमारी इजाज़त के बग़ैर भागोगे तो भाग नहीं सकते पकड़ लेता हूँ कहीं भी तुम यहाँ से निकले मछली को हुक्म दिया निगल ले लेकिन जैसे ही रुझू किया अल्लाह की तरफ आप देखिए इसमें मांगा नहीं है ये भी खास ध्यान रखिए क्या कहा ला इलाहा लाला सुबह नका इन्नी मिन ज़ालिमीन यही कहीं सवाल है कोई है कि अल्लाह मुझे निकाल यहां से नहीं है तर्जुमा क्या है अये अल्लाह तेरे सिवाय कोई मबूद नहीं है तू पाक है गुनहगार मैं हूँ जालिम मैं हूँ बोया अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी खताओं का इकरार कर लो बस वो खुश हो जाता है अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो अल्लाह खुश हो जाता है कुछ नहीं मांगा सिर्फ ये कि इकरार कर लिया गुनहगार मैं तू अकेला महबूद है तू ही बचाने वाला है नतीजा क्या निकला बाहर निकाल भाई पेट से बाहर निकाल मेरा नबी अभी, अभी जिंदा रहना है अभी उसको और काम करने हैं तो नहीं निकल सकती निकाल दिया वो भी उस जगह से जहां जाने के बाद आदमी सिकंडों में ख़त्म हो जाएगा सिकंडों में ख़त्म हो जाएगा इतनी गर्म जगह है वो भाई पत्थर चबा लें तो वो ख़त्म हो जाते हैं निकल लेती हैं मछलियाँ पत्थर और गल जाता है वहां पहुंचने के बाद भी जिंदा महफूज सलामत वापस आ गए ये दुआ का असर है और जिस नबी की जिंदगी और उसकी पूरी सीरत और पूरी सवाने हम हिंदुस्तानियों के लिए खास तौर पर बहुत अहम है वह मूा सलाम। मोहम्मद की जिंदगी तो है ही है उससे इनकार नहीं कोई यह ना समझे कि हम इसको हट करके वहाँ जा रहे हैं लेकिन मूा इस्लाम का जो मामला है वो अब तकरीबन इस वक्त हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट है जालिम फिरौन है एक तरफ दूसरी तरफ एक मजबूर कौम है उस मौके पर मूसा सलाम के साथ क्या मामलात पेश आए एक तो ये कि एक शख्स को मारा मूसा ने मर गया वो एक ही हाथ में और उसके बाद गए मिस्र छोड़कर मदियन मदियन जाते हुए रास्ते में एक जगह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे एक दो बच्चियां थी जो अपनी कुछ जानवर चराने आई थी बकरियाँ भेड़ वगैरह उनके वो पानी पिला बैठ गया और एक दुआ की रबिनी लिमा अनदल तलया मिन फ़कीर एल्ला जो कुछ नाजिल कर दे मैं उसका मोहताज हूँ क्या मांगा गोया एक समझ में आता है कि कोई खाना मांग रहे थे बहुत दूर से आए थे थके माँदे मिल जाए अल्लाह तला कुछ खा लूँ बहुत मोहताज हूँ बहुत भूख लगी जो कुछ भी भेज दे सब मैं उसका मोहताज क्या क्या मिला इस दुनिया में बंदे को जो कुछ चाहिए सब मिल गया इस दुनिया में आदमी की ख्वाहिश क्या होती है रोटी कपड़ा मकान तीनों मिल गए रोटी का बंदोबस्त हो गया नौकरी मिल गई घर का बंदोबस्त हो गया रहो इस घर में और घर वाली का बंदोबस्त भी हो गया और क्या चाहिए एक आदमी को इस दुनिया में सब बंदोबस्त अल्लाह आलमीन ने एक दुआ की बदौलत कर दी एक दुआ की बदौलत अल्लाह जो कुछ नाजिल कर मैं उसका मोहताज का ठीक तूने मांगा ले नौकरी मिल गई तेरी शादी करा दी घर भी दे दिया ठीक है जो कुछ तुझे दुनिया में चाहिए सब तुझे मयसर ये दुआ का असर है मांगा और मिला तो मांगे तो मिलता है अल्लाह बग़ैर मांगे भी देता है मगर मांगने का फ़ायदा ये है कि हमने जो कुछ मांगा वो हमें मिल गया बल्कि उससे आगे बढ़कर मिल गया यही तरीके से मूसा आसम की ज़ुबान में कुछ लुकनत थी उस लुकनत की बदौलत मुसा इस्लाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि अल्लाह मेरी ज़ुबान की लकनत ख़त्म कर दे ताकि मैं बहुत अच्छा बोल सकूँ एक दुआ ये साथ में ये भी दुआ की चूँकि लकनत इसलिए मेरे भाई को मेरा साथी बना दे उसको भी नबी बना दे वजी वजी मिन अहली हारून अखी उश्दुदही अदरी वशर खुफ़ी अमरी कई नब्ब्या का कसीरा व नदकोरा का कसीरा मेरे भाई को मेरा साथी बना दे वजीर बना दे ताकि उसके ज़रिए से मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकूं नतीजा क्या निकला भाई को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भाई की दुआ की बदौलत बना दिया यहाँ एक बड़ा प्यारा नुक्ता मालूम होता है भाइयों के लिए भी दुआ होनी चाहिए भाइयों के लिए भी दुआ होनी चाहिए मगर मोह जमाने में तो सोचते कि भाई भाई अगर दबा रहता तो मेरे सामने हाथ फैलाता रहता नहीं हमको रब बनने का शौक़ पैदा हो गया है कभी कभी हो जाता है ये दबा रहता तो मेरे सामने झुका रहता नवी अपने लिए दुआ करें और अपने भाइयों के लिए भी दुआ करें मूसा इस्लाम की इस दुआ में हमारे लिए नसीहत मौजूद है अपने लिए दुआ तो होनी चाहिए जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जब भी किसी के लिए भी दुआ करते तो अपनी जात से शुरुआत करते पहले अपने लिए मांगो सबदा जरूरतमंद तो खुद है ना तो पहले अपने लिए मांगो लेकिन इस दुआ में मूसा अलैहि सलाम की यह नसीहत भी है कि अपने साथ साथ अपने भाइयों के लिए भी मांगो दोनों फायदे होंगे इसलिए मांगना चाहिए अपने लिए भी अपने भाइयों के लिए भी और दुश्मन हो तो दुश्मनों के ख़िलाफ़ भी जैसे अलैहिस्सलाम की दुआ है। दाऊद दालूद के लश्कर में शामिल हुए और उसके बाद लश्कर के कमांडर बना दिए गए तो जब जालूत से लड़ने के लिए जा रहे थे उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अलैना अफरी आलैना सबर मंसूरना मंसूर कौमिल काफरी इस दुआ की जरूरत हमें है या नहीं है कितनी जरूरत है इस दुआ की जब आगे बढ़े तो यह दुआ मांगी और इस दुआ का नतीजा हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी मजबूती दी कि जिस एक पहलवान से लड़ने के लिए इस पूरे फौज में कोई तैयार नहीं था मैं जाऊंगा ऐसे हिम्मत किसी की नहीं थी बहुत मजबूत हट्ठा कट्टा सामने दाऊद अलैहिस्सलाम निकले और दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ताकत दी कि वो हट्ठे कट्टे को साफ कर दिया खत्म किया हिम्मत अल्लाह से दुआ की बुनियाद पर इतनी हिम्मत पैदा हुई कि जिससे सब डर रहे हैं उससे लड़ने को तैयार और अल्लाह आलमीन ने इस कदर मदद की कि उसको ख़त्म कर दिया अल्लाह जब मदद पे आता है तो वो इतहाई मामूली चीज़ें भी बहुत ताकतवर हो जाती हैं जैसे उसकी मिसाल खुद हमारी इस उम्मत में भी मौजूद है गज़वे अहजाब में अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और मुश्किन की जानिब से एक शख्स इस अब्द मुसलमानों के जो है जहां फौज थी वहां पहुंच गया और उसके बाद ललकारा कौन है कौन है जो मुझसे लड़े एक हजार सवारों के बराबर माना जाता था आमर इब्ने अब्दे वद अमर इब ने अब देव एक हज़ार सवालों के बराबर माना जाए इतना पहलवान था अल्लाह के रसूल सल्लाह रसू ने फरमाया कौन है भाई कौन इससे मुकाबला करेगा हजरत अली जो अभी नौजवान थे भरपूर जवानी भी नहीं थी नौजवान अल्लाह रसुल में अरे अली अमर है अल्लाह रसूल देख लिया है अमर है देख लिया है कोई बात नहीं देख रहा हूँ अमर है पहचान रहा हूँ अमर है लेकिन मैं जाऊँगा लड़ने इससे आपका हुक्म है ना हाजिर हूँ बैठा दिया गया ठहरो फिर आपने आवाज लगाई कौन लड़ेगा अमर से फिर वही एक उंगली उठी तीसरी बार वही उंगली उठी आपने कहा ठीक है जाओ ठीक है जाओ अब मानिए बात अल्लाह के भरोसे एक शख्स ने कदम उठाया तो अल्लाह के भरोसे जब कदम उठाया तो अल्लाह ने उसे पूरा किया यह है बहुत बड़ी चीज़ अल्लाह के भरोसे पे जब जाता है बंदा और वो ये समझ कर जाता है कि मैं अल्लाह के भरोसे हूं अल्लाह पर मेरा पूरा कामिल यकीन है अल्लाह ही मेरे मामला हल करने वाला है तो मजबूत हो जाता है मजबूत हो जाता है और मजबूती ऐसी हुई कि एक हजार सवारों के बराबर जो शख्स था जिसमें गुरूर इतना ज्यादा था कि जब पहुंचे पूछा कौन कहाब ने अभी तालिब कहा तुम बहुत शरीफ आदमी के बेटे हो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता जाओ तारीख में ये बातें मिलती हैं मुकालमा कहा तुम बहुत शरीफ घराने को शरीफ आदमी के लड़के को जाओ तुमको नहीं मारना चाहता कहा लेकिन मैं मारना चाहता हूं तुम्हें अच्छा ये गुरूर देखिए मुझे मारना चाहता है घोड़े पे से कूद गया और घोड़े की गर्दन मार दी हस्से में कहा तू मुझे माई बच्चा मुझे चैलेंज कर रहा है लेकिन चैलेंज इतना कामयाब रहा कि थोड़ी देर बाद नारे तकबीर लोगों ने सुनी कि हजरत अली ने मार दिया उसे यह है रब्बुल आलमीन पर भरोसे का नतीजा और ये चीज़ें आज भी हैं बस शर्त यह है कि हम उसे कहीं कहीं ढूंढ लिया करें मिल जाए मिल जाती हैं बातें मिलती हैं बातें हमने एक वाक़ पढ़ा था इसी दौर का कि कहीं पर दुश्मनों की फौज ने मुसलमानों की एक छोटी सी टुकड़ी को घेर लिया चंद लोग थे घेर लिया अब उसके बाद यह है कि दुश्मन फौज ने गोलियां बरसाई तकरीबन सब ढेर हो गए एक बंदा जो उन लाशों के बीच में पड़ा हुआ था गोली खत्म है कुछ भी नहीं बचा हुआ है अब वो सोच रहा है अल्लाह करूं क्या अगर ये पकड़ ले गए तो किस्म किस्म के झुल्म सितम करके राजते हैं और खुदकुशी कर लूँ तो भी बुराई है रबुल आलमीन कोई रास्ता पैदा कर दुआएं जुबान पर हैं और तरकीब में सोच रहा है बंदा फौज जानते हैं घेरा तंग करती है ताकि अभी देखें कोई जिंदा तो नहीं बचा इसको पकड़ा जाए इस दौर में इस किस्म के वाकयात पेश आते हैं जब घेरा तंग किया तो लाशों के बीच में से अचानक एक शख्स झटका के जो खड़ा हो तो ये घबरा गए और उसके हाथ में जो कुछ भी बंदूक या कलाशंकोफ या जो भी रहा हो तैयार हो गया नतीजा क्या निकला घबराहट घबराहट के नतीजे में चलो ठीक है अब नीचे उतारो अपने बंदूक वरना है, है ख़तरनाक हथियार मेरे हाथ हाँग। हावी हो गया एक बड़ा किस्सा है हावी हो गया बंदा उन सबको बांध लाया ये चीज़ें आज भी पाई जाती हैं लेकिन शर्त यह कि रब्बुलआलमीन रब्बालमीन पर बंदे का एतबार हो बंदे का एतबार हो साहब कराम में इस किस्म के, के वाकत तो कई एक कई एक एक नहीं कई एक कि अकेले हैं और एक पूरी पूरी फौज को जो है ललकार देते थे पूरी पूरी फौज को ललकार देते थे अरे रूम से लड़ने गए तीन हजार थे उधर दो लाख थे अब मेरे ख्याल से मुनासिबत ढूंढें तो मिल नहीं पाती है कि तनासुब क्या है तीन हजार और दो लाख क्या तनासुब है जीत क्या है ये रब्बालमीन पे भरोसे के नतीजे में हैरित उमर रजी अल्लाह तनों से एक मरतबा जो है कुमक मांगी गई कि आप कुछ फौज भेज दीजिए हम लोग बहुत कम हैं तो हैरतमर रजी अल्लाह ने कुछ लोगों को भेजा और कहा कि हम तादाद की बुनियाद पर कभी नहीं जीते हैं। हम भरोसे की बुनियाद पर जीते हैं अल्लाह के इसलिए अल्लाह के भरोसे काम करो तो रब्बालमीन पर भरोसा दुआ की बुनियाद पर पैदा होता है और दुआ एक मोमिन का हथियार है और दुआ के बारे में दूसरी हदीस है अदुआ दुआल इबादा दुआ ही इबादत दुआ मोमिन का हथियार जब यदि हथियार हमारे पास मजबूत हथियार है तो फिर हमें किसी और हथियार पर भरोसा करने की ज़रूरत क्या है इसीलिए हैरत उमर रजी अल्लाह को एक वाक़ और मिलता है कि जब फलस्ती फताह किया और मदीना से पहुँचे फ़लस्तिन वालों के शर्त के मुताबिक कि तो तुम्हारा खलीफा आ जाए तो हम चाबी हवाले कर देंगे यूं ही उस वक्त जो साहबे के नाम वहाँ थे उन्होंने बेहतरीन जोड़ा सिलवाया है तो हमारा तालों के लिए सिलवा के रखा था ये पहुँचे तो पैबंद लगे हुए कपड़ों में हाजिर हो गए लोगों ने कहा अरे दुश्मन कौन में आए हैं इस कपड़े को देख कर उन पर रोब नहीं पड़ेगा वो तो जरा तो हल्का हल्के में ले लेंगे हमको और आपको इसलिए ऐसा कीजिए कि आप ये बेहतरीन जोड़ा पहन लीजिए दुश्मनों पर इसका असर पड़ेगा अरे क्या बेहतरीन कपड़ा पहन के आया था आज भी है ना कई कई लाख के जोड़े पहन रहे हैं कौम पूरी भूखे मर रही है और राजा साहब लाखों वाला पहन रहे हैं यहां नसीहत है इस वाकई में हैत उमर ने कहा कि अल्लाह आदन अल्लाह इस्लाम अल्लाह आलमीन ने इस्लाम के बदले इज्जत दी है भरोसा उधर रखो कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता ये दुआओं के असरात थे जो हमने नबियों की जिंदगी में देखे नबियों की जिंदगी का बयान था अभी तक नबियों के बाद की जिंदगी में भी देखेंगे तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला त वाक़ बड़ा मशहूर वाकया है कि बारिश नहीं हो रही थी बारिश नहीं हो रही थी क्या किया हजरत उमर ने हजरत अब्बास को पकड़ा मैदान में पहुंचे और उसके बाद दुआ की अल्लाह ताला से दुआ की अल्लाह ताला जब तक तेरा नबी जिंदा था हम उसके वास्ते से दुआ करते थे उसके वसीले से दुआ करते थे यहाँ लोग धोखा भी देते हैं वसीले के माने में मगर इस हदीस में खुद वज़ाहत मौजूद है जब तक तेरा नबी जिंदा था उसके वसीले से दुआ करते थे जिंदा था तब ना करते थे नबी नहीं है चचा को लेके आए हैं गोया मालूम ही खुद हदीस गोया वजाहत कर दी कि नहीं है तो चचा लाए गोया मुर्दे से या जो शख्स जा चुका मर चुका उसका वसीला नहीं लिया जा सकता धोखा देते हैं मैं वो बीच में बात आ गई दूसरी लेकिन जो असल बात है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तुने नबी के चचा को पेश करके उनके दुआओं का जो वसीला लिया फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ बारिश हुई बारिश हुई हम में से बहुत सारे लोग इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि हम में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियों पर तवज्जो नहीं देते कभी तवज्जो दीजिए कि हमने मांगा था मिला क्या नहीं मिला तो हम हमारे दरमियान इस किस्म के वाकयात ख़ुद आम होंगे कि मांगने पर मिलता एक आलिम ने किताब लिखी शायद इसी तल्लु से इस दरमियान में पा नहीं सका उसे उस किताब को ना शायद में कई एक वाक मौजूदा जमाने के लाता आपके सामने तो उसमें एक वाक उन्होंने अपना जिक्र किया ट्रेन पर चढ़े सवारी की दुआ गया सुबह जी सखरना कई हम लोगों ने हमारी पूरी टीम से दुआ पढ़ के हम बैठ गए आगे एक्सीडेंट हुआ ट्रेन पलटी डिब्बा हमारा ही महफूज रहा लिखा उन्होंने कहा हमको यकीन है कि हम ये दुआ पढ़कर बैठे थे शायद उसी का असर है हमें यकीन है किसी दुआ का असर है कि रब्बुल आलमीन ने हमें यहां महफूज रखा तो रब्बुल आलमीन ऐसे महफूज रखता दुआओं के ऐसे असरात पैदा होते हैं मैं ऐसे ही एक आलिम को और जानता जो शख्स ने अपने बच्चे का जब दाखिला इंजीनियरिंग में करवा दिया अब इंजीनियरिंग का खर्चा है लंबा तनख्वाही लंबी नहीं अब फिक्र में पड़ गए दाखिला तो हो गया अगला मरहला कैसे पूरा होगा तो आप जानते हैं हमारे समाज में अभी तो जहेज़ पर चल भी रहे हैं बहुत सारे बयान तो हमारे यहाँ एक मिजाज जो अवामी मिजाज है वो मिजाज कैसे खुलकर सामने आपने कुछ दोस्तों के दरमियान बैठे हुए थे कुछ अलमा थे कुछ दूसरे लोग भी थे दाखिले का वक्त चल रहा था मदरसे में बात ऐसी निकली का यार ऐसा हो गया अभी क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है ख़र्चा कहाँ से आएगा तो एक साहब ने क्या कहा जो मिजाज समाज का है समाज का मिजाज सुनिए क्या कहा अरे कहीं रिश्ता तय कर दो खुद ही खर्चा देगा होता है नहीं हमारे यहाँ भाई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है ना बड़ा आदमी बनेगा पक्का है बनेगा कि नहीं बनेगा तो बात का मामला हमारे यहाँ तस्वूर है ये कि पढ़ेगा तो बड़ा आदमी बनेगा ना नवजबिल्ला कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ज़रूरी नहीं किसको अल्लाह देना चाहता कोई पता नहीं है और उसकी मिसाल बम्बई से बेहतर कहीं और नहीं होगी अंगूठा छाप बड़े बड़े सेठ दस्तखत करना नहीं जानते बहुत बड़े सेठ और यहाँ पी डबल पी ट्रिपल पी हैं और जूते घिसे जा रहे हैं सर्विस नहीं मिल रही पढ़ने की बुनियाद पर कुछ नहीं होता लेकिन समाज का एक मिजाज कि इसका कहीं रिश्ता तय कर दो ससुर जी खुद ही अदा कर देंगे सब ताजिब न उजबालिम ये एक मिजाज आलिम ने कहा भैया इसलिए थोड़े पढ़ा रहा हूँ कि बेचना है और उसकी अभी से कीमत वसूल करना शुरू कर दूँ ये काम नहीं है मेरा और लगा रहा अल्ला रब्लम की मांगने में अल्लाह रब्लिन कोई रास्ता बना दे ताकि मेरा काम हो जाए कहीं हाथ ना फैलाना पड़े कहीं और ना जाना पड़े मेरी जरूरत पूरी हो जाए वो बताते हैं वो आलिम कि बस चंद महीनों में जिस जगह भी सर्विस कर रहे थे एक लंबा इजाफा हो गया उनकी तनख्वाह में मैनेजमेंट ने कर दिया अब मैनेजमेंट ने किया ये तो दुनिया देख रही है कराया किसने किसने दिल में बात डाली रब्बुल आलमीन से रिश्ता जोड़े हुए थे मामला हल हो गया मामला हल होता है ऐसे ही ये मैंने मौजूदा जमाने की मिसाल दी एक आलिम की मिसाल दी जो मैं खुद जानता हूं यकीनियात से जानता हूं यकीनी तौर पर जानता हूं इसलिए वो मामला पेश किया तो इस दौर में भी ये चीजें पेश आती हैं पेश आती हैं यकीनी तौर पर और एक बंदे को चाहिए भी कि वो अपनी दुआओं के जरिए से न सिर्फ अपने आप को फायदा पहुंचाए अपनी नस्लों को भी फायदा पहुंचाए अपने भाइयों को भी फायदा पहुंचाए पूरी उम्मत को फायदा पहुँचाए दुआ में हमको सिखाया गया लना? और उसके अलावा तो अब क्या है अपने लिए भी मांगो अपने भाइयों के लिए मांगो क्या जा रहा है हमारा एक तो बहुत बड़ा फायदा है अपने भाइयों के लिए मांगने में कि जब हम कहते हैं अल्लाह मेरे भाई को सेहतमंद कर दे तो फरिश्ता कहता अल्लाह आलमी इसको भी वैसे ही दे दे मांग रहे उसके लिए वो हम मांग रहे हैं और हमारे लिए कौन मांग रहा है तो हम ज्यादा मुफीद फायदे में है कि नहीं हम अपने भाई ज्यादा फायदे में हम अपने भाई से ज्यादा फायदे में इसी तरीके से अगर हम पूरी उम्मत के लिए दुआ कर रहे होते होंगे तो क्या फरिश्ता हमारे लिए दुआ नहीं कर रहा होगा यकीन कर रहा है तो दुआएं हम मुख्तसर ना करें अल्लाह रबुल आलमीन से मांगने में हम कोताही ना करें एक सहाबी आए मस्जिद नबी में उन्होंने कहा ला मुझ पर रहम कर मोहम्मद पर रहम कर तीसरे को शामिल नहीं कर लतीफ़ा सुने कि नहीं लतीफ़ा हकीकत है लतीफ़े जैसा लगता है साहबी आए मस्जिद में बैठे अब उनको कोई राह में कोई ख़ुशी मोहम्मद से मिली थी बहुत ज़बरदस्त तो उन्होंने अपनी दुआ में सिर्फ एक को शामिल किया जिनसे ज़्यादा मिला था अल्लाह मुझ पर रहम फरमा मोहम्मद सल्लम पर रहम फरमा और इस रहम में किसी को शामिल नहीं करना आप सब ने क्या कहा? अल्लाह आलमीन की रहमत को इसने सिकोड़ दिया बहुत बहुत मुख्तर कर दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए और मांगते वक्त ये भी ध्यान में रहे कि बेहतर चीज़ मांगी जाए अल्लाह आलमीन से जब मांगा जाए तो बेहतर से बेहतर चीज़ मांगी जाए बस एक आखिरी वाक़या एक सहाबी हैं जो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत किया करते थे एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और खुश होकर के आपने फरमाया कि मांगो भाई कुछ है तुम्हारे जहन में तो जरा मांग लो मांग लो मुझसे उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए सोच कि क्या मांगना है दूसरे दिन कहा कहा कुछ सोचा कहा अल्लाह रसोल सोचा कहा क्या मांगना है कहा असअलुका आलू का मुराफ़ाता कफिल जन्न के रसूल वसल्लम मैं आपसे जन्नत में आपकी सोहबत मांगता हूँ सिर्फ जन्नत नहीं एक तस्वूर है कि हमारे यहाँ हम मुसलमानों को और हकीकत गलत भी नहीं है कि जन्नत से बढ़कर कुछ नहीं जन्नत मिल गई सब मिल गया लेकिन साहबी का तस्वूर इससे कितना आगे था अंदाज़ा कीजिए कि जन्नत में भी आपका साथ चाहिए जन्नत मिले और जन्नत में आपका साथ सोचने की चीज़ है कितना सोचा हो कितना गौर किया हो इससे बढ़कर क्या मांग लेगा बंदा जन्नत मांगकर ये हमारी इंतहा है हमसे आगे कुछ नहीं समझते लेकिन वो साहब इससे आगे समझ रहे थे कि नबी का साथ भी रहेगा तो और मजा आएगा कहा जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ तो कहा आइन अला नफसी का बे कसरती तो फिर दुआ की कबूलियत के लिए खूब ज़्यादा सजदे करो यानी मालूम ये हुआ कि दुआ कबूल होने और दुआ के असरात ज़ाहिर होने के लिए शर्त यह है कि बंदा रबालमीन का बहुत इबादत गुजार भी हो बहुत इबादत गुजार भी हो यानी दुआ कबूल करवानी है दुआ अल्लाह रब्लम से मनवानी है तो फिर हम सजदे में सर रख के ये तय कर दें कि अल्लाह रब्लमीन ये सर जब तक नहीं उठेगा जब तक कि तू हमारी दुआ कबूल नहीं कर लेगा दुआएँ अपने असरात रखती हैं और वैसे भी अगर आप देखें तो जब भी दुआ की करते हैं हम तो देखिए सुकून मिलता है सुकून मिलता है दुआ करने पर मैं एक आलिम को इस तरह के जानता हूँ किसी इलाके में चले गए पढ़ाने के लिए अलग थलग इलाका दुनिया से दूर मुसलमान ही सही लेकिन चूंकि अपने इलाके के लोग नहीं दुनिया बिल्कुल जो है अजनबियों के दरमिया तो परेशान कभी कभी हो जाते कभी झुंझुलाट पैदा हो जाती तो कहते हैं कि मैं जो है ऐसे मौके पर एक खास कलिमा जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने और मुझसे पहले अम्बिया ने इससे बेहतर कोई दुआ नहीं की कौन सी दुआ है हो ला अला शरीक ला। लहूल मुल्क वह वह अला शहीन कदीर का यही दुआ पढ़ता रहता और थोड़ी देर बाद मुझे लगता कि बस मुझे सब कुछ मिल गया जो चाहिए वह वहू आलाकुल शहीन कदीर ये जब पढ़ता तो ऐसा लगता कि जब वो सब कुछ कुदरत उधर है बकिया से क्या घबराना तनह सही कोई हरज नहीं कुदरत तो उधर है पूरी बस सुकून मिल जाता तो ये हम ख़ुद भी अपने आप पर गौर कर सकते हैं कि इन दुआओं के पढ़ने से खुद हम में एक सुकून की कैफियत पैदा हो जाती एक बेहतरीन कैफियत पैदा होती है तो अल्लाह आलमीन से दुआ करने में हम बखीली ना करें दुआ ये मोमिन का हथियार दूसरी बात दुआ की कबूलियत के तीन तरीके हैं अल्लाह के यहाँ पहला तरीक़ा जो कुछ मांगा वही दे दिया दूसरा ज़खीरा कर दिया गया और तीसरा उसके जैसी कोई मुसीबत आने वाली थी अल्लाह आलमीन ने उसे टाल दिया और दुआ यकीनन मकबूल होती है यकीनन मकबूल होती है मोमिनों की भी गैर मोमिनों की भी मोमिन के लिए तो शर्त बताइए आपको कि वह इबादत में ज़्यादा ज़्यादा लग जाए गैर मोमिन है तो भी अल्लाह ही कबूल करता है अमयू जीबुल मुस्तर राय एक परेशान हाल की दुआ कौन कबूल करता है जब वो पुकारता है आई ला मह है कोई अल्लाह के अलावा बोया अमहाँ मुस्तर कह करके मोमिन मुस्तर नहीं कहा अल्लाह तला ने कि एक परेशान हाल मोमिन दुआ करता है तो ही कबूल करता हूँ सब के वही कबूल करता है अलबत् मोमिन के लिए खसूसियत यह है कि रब्बुलमीन का बंदा हकीकी बनकर दिखाए नहीं बनता तब भी कबूल होती है ये भी ध्यान रहे लेकिन हकीकी बंदा जब बन के बताता है तो उसकी ज़्यादा ही कबूल होती है मानी बात अपनों को आदि पहले देता है इसलिए रब्बुल आलमीन से मांगने में कोताही ना की जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है किमीन मुझे हम सब को तोफ़ी दे कि हम अपने रब से उस रब से जो इस पूरी कायनात का तनहा मालिक है जो इस कायनात को देने में तनह जो है सबको देने वाला है और जिसको देने के लिए कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो हकीीक़ता मालिक है हमें उससे मांगने की तोफ़ी इनायत फरमाए और ख़ूब ज़्यादा तोफ़ी इनायत फरमाए हमारे ज़ुबानों पर आलमीन का ज़िक्र मुस्तकिल जारी रहे आमीन वाखरदानब्लमीन असलम वरमि व